आज के हमारे इस कार्यक्रम के अंदर के मुख्य नायक और सिक्किम के आदरणीय राज्यपाल भाई साहब, मैं भी कहूंगी भाई साहब ओम जी माथुर, हमारे कर्मशील और विकास के लिए सतत प्रयत्नशील माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सहज सरल और संगठन को समर्पित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी राठौड़, जो हम तो ये समझ के आए हैं मदन जी कि अब पूरे दिन दिन में काम होंगे, आपने पूरे रात रात के काम हम लोगों के सामने बता के रख दिए हैं, तो दिन दिन में। और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और इस राजस्थान के और हमारे विधानसभा के अंदर भी रहे प्रधान अध्यापक के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में अभी भी वो चला रहे हैं स्पीकर आदरणीय वासुदेव जी, हमारी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी और हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा, इस जयपुर क्षेत्र के मंत्री और हमारे राजस्थान के मंत्री पर जयपुर से श्री राज्यवर्धन सिंह जी, हमारी सांसद मंजू जी और राव साहब, आमरस की बात बहुत दिन के सुनने में आई, ऐसा डिस्क्रिप्शन तो मैंने अभी तक सुना नहीं है, परंतु मुझे छोड़ दिया है इसलिए आपको एकदम से आमरस याद आ गई, बहुत पुराना साथ है इसलिए समझ में आती है कि दिमाग के अंदर से क्या निकल रहा है। तो हमारे वो आदरणीय घनश्याम जी तिवारी, मैं अंदर इस सभागार में आई तो मैंने मंच में आवाज सुनी, मैं कहा ये आवाज तो पहले सुनी हुई है कहीं, ऐसा हमारा कोई मंच ही नहीं रहा जिसमें वो आवाज हमको सुनने में आती नहीं है, तो इनको भाषण का मौका भी नहीं दो तो आप अगर मंच पे उनको खड़ा कर दो तो वो सब चीज उसमें समेट लेने वाले हमारे राजेंद्र राठौड़ जी और हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी, रामचरण जी और आपके साथ में जो इस अभिनंदन नागरिक अभिनंदन को जिस समिति ने इतना सफल बनाने का काम किया है, आपको और उन सबको मैं हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि वाकई में आप सबके सब पद तक पहुंचे, सबको फोन किया और सबको यहां बुलाने के लिए निमंत्रण भी आप लोगों ने दिया। आज ये परिवार जो यहां बैठा हुआ है, इसकी छोटी सी शुरुआत होते 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 आज इतना विराट रूप हमारे राजस्थान के अंदर उसने ले लिया है, वो ये सब जो आप यहां मंच पे बैठे हुए हमारे ओमजी भाई साहब, भैरव सिंह साहब और उनके साथ के सब लोग जिनमें से कई यहां बैठे हुए हैं, उनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का काम तक यहां तक लाने का काम आप लोग सब ने मिलके किया। ये रामचरण जी, आपने इनको सबको बुलाया, सबको एक एक को और अपने ग्रुप के साथ सबको बुलाने का काम किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण जी चतुर्वेदी जी और अशोक परनामी जी और अभी अभी हमारे साथी थे श्री सीपी जोशी जी, इन तीनों का भी हमारा धन्यवाद कि भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने अपने अपने समय में अच्छी तरह से मजबूती देने का काम आप लोगों ने किया है। यहां के उप महापौर श्री पुनीत जी कर्णावत, डॉक्टर एसएस अग्रवाल और माथुर साहब के नागरिक अभिनंदन समारोह के अंदर जो यहां आए हैं सभी लोग जो पधारे हुए हैं, हमारे परिवार के भाई बहन कार्यकर्ता और सब साथी लोग जो यहां आए हैं, उनका सबका हम यहां स्वागत करते हैं। ओम जी भाई साहब का मैं हम सब की ओर से यहां स्वागत करना चाहूंगी और मैं साथ साथ उनका अभिनंदन भी यहां
करना चाहूंगी। ये आपकी योग्यता का परिणाम है कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी यहां मिली है, और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम लोग तो हैं ही हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, परंतु ये पूरे राजस्थान के लिए एक गौरव की बात है कि आप जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने यहां तक ले जाने का काम किया, और हम उनको आभार देना चाहते हैं, हम सब की ओर से आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने आपको राज्यपाल बनाने का काम हम सब की यहां आपका काम देख करके वहां तक ले जाने का काम किया है। आपकी जो राजनीतिक जीवन है वो पूरी तरह से कामयाबी रही। अब तो एक एक करके सब लोगों ने अपनी अपनी कहानियां सबके सामने रखने का काम किया है। भाई साहब, मैं उन कहानियों पे नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी कहानियां नहीं है। मुझे मालूम है कि बहुत सख्ती के साथ काम करते थे, और मुझे याद है कि जब 2008 के अंदर राजस्थान में आप प्रदेश अध्यक्ष बने तो उस समय मैं मुख्यमंत्री थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा है हमारा तो आपका था, भैरव सिंह जी की वजह से आपसे मिलना मिलाना होता था, परंतु वहां जैसे लोग होते हैं सब लोग अच्छी बोलते तो नहीं है ना, तो कुछ लोगों ने आके मेरे कान में कहा कि भारी भरकम आदमी है और ये आपके यहां आए हैं गरम मिराज के हैं और आप लोग को आपको इतना आसान नहीं होने वाला है। फिर मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूं कि मैं उनको वैसे भी पहले जानती थी, भैरव सिंह जी की वजह से भी, और हमारा भी सब लंबा साथ था, और मैंने इनके साथ जब काम किया तो मुझे तो ये महसूस हुआ कि ऊपर ऊपर से तो बहुत गर्म दिखाई देते हैं परंतु अंदर अंदर से बहुत नरम आदमी है, और जब आपका साथ वो आदमी देता है तो पूरी तरह से साथ निभाने वाला आदमी है। यहां बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, अब किसी से पूछोगे तो वो जरूर आप बताएंगे, या राजेंद्र जी ने भी बता दिया कि उनका नाम कैसे आ गया मंत्रिमंडल में। तो जब साथ देते हैं तो छोड़ते नहीं है ना, तो नहीं है ये मातु साहब का, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, ऐसे ही कर रहे हैं। ये माथुर साहब की योग्यता और उनकी समर्पण का एक नतीजा है जिसकी वजह से गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उत्तराखंड में उनको प्रभारी बनाया गया। लोगों का इनके ऊपर, हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व था उनका इनके ऊपर पूरा भरोसा था कि हम किसी भी स्टेट में इनको भेजेंगे तो जो जैसे पार्टी चाहती है वहां के क्षेत्र में उसी तरीके का रिजल्ट लाने का वो काम करेंगे। तो दो बार राज्यसभा के सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, और विधानसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा ओम जी, आम धारणा थी, यहां पर हम मिले भी थे, और आम धारणा थी कि ये इनको भेजा जा रहा है वहां छत्तीसगढ़ में होना जाना कुछ नहीं है, सबको मालूम है कि क्या स्थिति हो रही है वहां। हमने कहा उनको कि असंभव बात है आप ऐसे क्षेत्र के अंदर जा रहे हो, परंतु उन्होंने छत्तीसगढ़ में जाके कमल खिलाया और जो असंभव बात थी उसको संभव करके दिखाया। ये एक इनके साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या है कि अगर उनके सामने चैलेंज दो तो चैलेंज को लेने का काम ओम जी करेंगे ही करेंगे, और उसको पूरा करके जमीन पे लाने का काम वो करेंगे, वो कई जगह के ऊपर उन्होंने दिखाने का काम कर दिया है। आप सबको मालूम है कि ये, और ये सब लोगों ने कहा भी है कि ये मोदी जी के करीब हैं, और इसका कारण है कि वो गुजरात गए वहां प्रभारी बनके, और वहां आपने जाके उस संगठन को ताकत देने का काम किया। उस चुनाव में आपने बहुत अच्छी तरह से वहां की परिस्थिति को मजबूत बनाने का काम किया। मैं ये नहीं कह रही कि वहां
मने ऐसी परिस्थिति थी भी नहीं, वो तो जीतने का था, परंतु जिस तरीके से आपने व्यवस्थित करा के और उसको लड़ाने का काम किया, मैं समझती हूं कि गुजरात के अंदर भी आपका बहुत अच्छी भूमिका निभाने का काम आपने वहां किया है। यहां सब लोग ये सोचते हैं कि कोई राज्यपाल बन जाता है तो वो रबर स्टैंप बन जाता है। मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि ये रबर स्टैंप नहीं होता, इसको समझने की बात है कि एक वेलवेट ग्लव, जिसको बोलते हैं ना मखमल की क्या बोलते हैं, हाँ दास्तान, उसके अंदर आयरन फिस्ट। सब लोग सोचते हैं कि रबर स्टैंप है, इसे कुछ भी करवा लो, वो तो वैसे बैठे हुए हैं, परंतु ये है आयरन फिस्ट इन अ वेलवेट ग्लव। और जैसे जो भी घुड़सवारी करता है, अगर अच्छा करता है, लगाम पकड़ लेता है, चाबुक लगा लेता है, वो जानता है किस तरीके से घोड़े की सवारी करना, तो घोड़ा सही तरीके से चलता है, वैसे ही दौड़ता है जैसे वो चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये लगाम भी खींचना जानते हैं, चाबुक लगाना भी जानते हैं, और मैं समझती हूं कि जहां वो जा रहे हैं वहां वो रबर स्टैंप बन के नहीं परंतु आयरन फिस्ट बन के अपना काम करने में पीछे नहीं रहेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यपाल के जो अधिकार होते हैं उसका जरा विस्तार से उल्लेख है। ये आर्टिकल 200 है संविधान के अंदर, जिसमें वो कहते हैं कि बताते हैं कि राज्यपाल के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, विधेयक को रोक सकते हैं वो, और उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए वो सुरक्षित भी रख सकते हैं। तीन काम कर सकते हैं, उनके हाथों के द्वारा ही निकलता है कोई भी बिल हाउस में से जब निकलता है, तो दैट विधेयक को वो रोक भी सकते हैं और पास भी करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर किसी विधेयक को रोका जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है किसी भी गवर्नर का, किसी भी राज्यपाल का। तो आपको यहां याद होगा कि राजस्थान में जब पिछली कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर एक सत्र 31 जुलाई 2020 तब वो बुलाना चाह रहे थे, इसके लिए उन्होंने 3 बार प्रस्ताव भेजा गवर्नर साहब के पास, लेकिन महामहिम राज्यपाल जब थे कलराज जी मिश्र, उन्होंने उसको वापस लौटा दिया। बाद में वही सत्र जब राज्यपाल जी ने चाहा, उनकी अनुमति के साथ 14 अगस्त को हुआ। इसी तरह एक वो अधिवक्ता कल्याण कोष बैठे हैं सामने, मैंने पूछ रही हूं, संशोधन विधेयक जो था वो 7 मई 2020 को विधानसभा में पारित हुआ और 24 मार्च को राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए गया, राइट। तो राज्यपाल ने उस विधेयक को वापस लौटा दिया। आफ्टर पैसेज जो विधानसभा से पास होने के बाद भी उनके पास इतनी पावर है कि वो रोक सकते हैं अगर वो समझते हैं कि उनको नहीं करना है। राज्यपाल भले ही मंत्री परिषद के सलाह से काम करें, पर आर्टिकल 166(2) के अनुसार राज्यपाल का निर्णय ही लास्ट निर्णय होता है, तो वो जो भी करेंगे वो लास्ट निर्णय है। आर्टिकल 356 में राज्यपाल की सिफारिश पर किसी भी बहुमत वाले राज्य सरकार को निलंबित करना है किसी कारण की वजह से, तो वो कर भी सकते हैं और राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं, और उस प्रदेश के अंदर सरकार का पूर्ण अधिकार उनके हाथ में भी चला जा सकता है। तो आप जब ये सब बातों को सुनते हैं तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नर के पावर, हमारे राज्यपाल महामहिम के पावर कोई कम नहीं है। ये राज्यपाल इसलिए शक्ति रहित नहीं, शक्ति सहित है। इस चीज को हम लोगों को ध्यान देखने की जरूरत है। और आप जो गए हो अभी, जब भी राज्यपाल की बात करते हैं लोग कहते हैं हाँ राज्यपाल पर, हमने कहा इसलिए जरूरी है कि जरा सब लोगों के ध्यान में ये लाया जाए कि पावर्स कितनी हैं, और अगर वो यूज करना चाहे तो कितनी पावरफुल बात बन सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सब दूर करने की जरूरत है, परंतु राज्यपाल का कॉन्सेप्ट उस वक्त हुआ जब देश की आजादी के 2 साल के बाद
अमेरिका में जो उठी हुई थी फेडरलिज्म की बात, उसकी आवाज को दुनिया भर में सभी जो डेमोक्रेटिक देश थे वो उसके बारे में सोचने लगे। वो उस व्यवस्था का नाम है ये फेडरलिज्म, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के जो बीच अधिकारों का बंटवारा होता है, कैसे होता है और कितना कैसे होना चाहिए वो डिसाइड होता है। यह फैसला किया गया कि देश में राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य में राज्यपाल, ये अगर हो जाता है तो उसका फायदा गवर्नर, गवर्निंग का मतलब गवर्नर गवर्निंग करेगा। इसलिए राज्यपाल किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली ये पद है। और आज हमारे बीच में ये शक्तिशाली व्यक्तित्व बैठा हुआ है। मैं इसीलिए आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि ये हमारे बीच में से गया हुआ व्यक्ति आज उस पद तक पहुंचने का काम किया है। मैं समझती हूं कि धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने कार्यकर्ता से लेके यहां तक लाने का काम हमारे ओम जी माथुर का किया। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि ये कितनी भी बुलंदियां छू जाएं, उनकी एक बहुत बड़ी खूबी है, सुनो ओम जी, ये बहुत बड़ी खूबी है और मजाक नहीं है, ये इतनी बड़ी खूबी है कि आप ना हमेशा अपने पैर जमीन पे रखते हो। हाँ, और आपको समझ में है ये बात कि कितने भी हम ऊपर चले जाएं, ये जमीन नहीं खिसकनी चाहिए अपने पैरों के नीचे से। अपने को अपना कांटेक्ट अपने कार्यकर्ताओं से, अपने बहुत सारे लोग जो हमारे प्रशंसक हैं, हमारा साथ देते हैं, उनके साथ जुड़े रहने से आज ये हॉल भरा है, इसी वजह से, क्योंकि आपने अपने पैरों को धरातल पे रखने का काम किया है। और ये असंख्य लोग, बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो इसी की वजह से बैठे हुए हैं। नहीं तो क्या होता है भाई साहब, ऐसे लोग बहुत सारे हैं, ऐसे लोग बहुत सारे हैं भाई साहब, जिन्हें पीतल की लौंग कहीं मिल जाती है ना तो वो अपने आप को सर्राफ मानने लगते हैं। तो ऐसे लोग बहुत हैं, ये माथुर सर से अपने को सीख लेनी चाहिए। और मैं आज यही कहना चाहूंगी कि चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, लेकिन पांव हमेशा धरती पर रखो। ये सबसे बड़ी बात है भाई साहब, और ये आपने किया है, इसलिए सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग आपसे मिलते हैं, सब लोग आप, और वो सही कह रहे थे कौन कि खर्चा छोटा स्टेट है पर खर्चा सबसे बड़ा होगा, कौन घनश्याम जी ने कहा, भाई साहब बात सही है बहुत सुंदर जगह, ओम जी का घर खुला होगा ही, होगा ही, तो जो उस खुले घर के अंदर राजस्थान के लोग जाते ही रहेंगे, मुझे विश्वास है आप हमको जैसे यहां संभालते थे वहां वहां संभालोगे। तो इसी विश्वास के साथ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको और आपके सब साथियों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतने सफल बनाया, और आपने मुझे याद करके मुझे बुलाया, इसके लिए आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अभिनंदन समारोह के अंदर ऐसे व्यक्तित्व का अभी हम लोग सब अभिनंदन कर रहे हैं, और आप इतनी संख्या में प्यार से यहाँ आए, सबसे बड़ी बात है ये परिवार है, और जो लोग यहाँ आए हैं वो अपने आप अपने एक दूसरे को अपना मान के यहाँ आए हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की यही मजबूती है कि हम लोगों ने एक दूसरे के बीच में प्यार बांटा, और उस प्यार ने हमेशा हम लोगों को मजबूती देने का काम किया है। फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ओम जी बहुत सारी शुभकामनाएं, और हमें विश्वास है, हम सबको विश्वास है कि आप जहां गए हैं वहां राजस्थान की इज्जत को बढ़ाने का काम हमेशा हमेशा ही करोगे, और हम लोग सबको वहां आने का मौका देकर थोड़ा सा हिमालय का मजा लेने का भी मौका दोगे।